11 वक्रमय चैनल एवरेज मैन ट्रेडर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा बाय सेल इंडिकेटर जो लाइव मार्केट में आपको बताएगा कि कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है। इन शॉर्ट ये बाय सेल इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू का। देखिए मैं ऐसे ऐसे इंडिकेटर आप लोगों के लिए फाइंड करके लाता हूँ जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। मैं पहले खुद बैक टेस्ट करता हूँ और एक अपना नज़रिया, एक अपना अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करने की। तो ये जो इंडिकेटर है बाय सेल के सिग्नल तो देता है बट पूरे दिन आपको सही सिग्नल नहीं देगा। इसको यूज़ करने का जो तरीका है मैंने निकाला है। अगर आप ये इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो इसका एक तरीका है यूज़ करने का, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। इंडिकेटर बहुत अच्छा है, फुल मंथ एक महीने का बैक टेस्ट आपके सामने लाइव करके बताऊँगा, ठीक है। और इसकी जो सेटिंग्स है वो भी सारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। और फ्री टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं इंडिकेटर का जो नाम है वो बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है इंडिकेटर का नाम सुनते ही बस वो चार्ट पे जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करेंगे, बस वो खुद से लगाना स्टार्ट कर देंगे, पर वैसा नहीं करना है। मैं आपको देखिए इंडिकेटर का नाम पहले बता देता हूँ कि इंडिकेटर का नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में जाके लिखना है प्रकाश, ठीक है, बाय सेल बाय प्रकाश ट्रिपल ई, ये वाला जो इंडिकेटर है आपको चार्ट पे लगा देना है। जैसे आप चार्ट पे लगाओ देखिए बाय और सेल के सिग्नल आपके चार्ट पे आ जाएंगे। बट देखिए ये कितने एसएल खा रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल। तो इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको वन बाय वन, ठीक है। तो इंडिकेटर का नाम को तो आपको पता चल गया कौन सा है, प्रकाश ट्रिपल ई, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर आपको चार्ट पे लगा देना है। और जो भी मैं बता रहा हूँ अब ये ध्यान से सुनना कि ये जो इंडिकेटर है इसको आपको यूज करना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी का फ्यूचर और निफ्टी का, निफ्टी के लिए हमें गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर यूज करना है, ठीक है। ये दो चार्ट पे लगा के आपको इसको यूज करना है। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंडिकेटर है इसको, इसका जो पहला सिग्नल है जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, जैसे हमारा जो मार्केट है ये आपका ओपन होता है 9:15 पे, ठीक है, 9:15 पे अगर मार्केट ओपन होता है ना, मार्केट ओपन होने के बाद पहला सिग्नल, दिन का पहला सिग्नल ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। मार्केट कितने बजे ओपन होता है, 9:15 बजे ओपन होता है, 9:15 बजे ओपन होने के बाद दिन का जो इसका पहला सिग्नल है वही आपको ट्रेड करना है, उसके बाद कोई भी सिग्नल आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी लोग मॉर्निंग में मॉर्निंग ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद अपने ट्रेडिंग बंद कर देते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट, लॉस हो गया तो लॉस, पर लॉस होने के चांसेस इसमें कम है, ठीक है, इंडिकेटर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दिन का पहला सिग्नल हम ट्रेड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे तीन क्या है, 3 अप्रैल का है, उसमें पहला सिग्नल यहाँ पे बना, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर आपने रिटेस्ट पे बाय किया होता तो कितना अच्छा मोमेंट है, 1.5 300 पॉइंट का इसने रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे आपको प्रॉफिट बना के दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला दिन कि इसका जो पहला सिग्नल है वही ट्रेड करना है। ऊपर से इसकी जो पहली कैंडल पे अगर सिग्नल बने ना तो इसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, पहली कैंडल पे जो सिग्नल बने उसको ट्रेड नहीं करना है, आगे बैक टेस्ट में भी हम इसको देखेंगे। तो ठीक है ये एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब चलते अगले दिन, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक भी दिन स्किप नहीं करूंगा, सारे दिन का बैक टेस्ट बताऊंगा, जहां पे एसएल होगा वहां पे भी हम एसएल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिन का पहला सिग्नल यहाँ पे सेल बना है, ठीक है, तो सेल बना है तो हम लोग यहाँ पे अगर सेल साइड की एंट्री लेते तो देखिए करीबन बहुत अच्छा करीबन 300 पॉइंट का फॉल यहाँ पे कैप्चर कर पाते हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे चलते हैं, जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो पहली कैंडल है उस पर अगर कोई सिग्नल हो तो उसको ट्रेड नहीं करना था, ये 9:15 वाली कैंडल है तो इसका जो सेल सिग्नल है उस पर हमें ट्रेड नहीं करना है, उसके बाद वाली कैंडल पे आपको ट्रेड करना है। जैसे कि ये बाय का सिग्नल बना और देखिए यहाँ पे भी आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिला, तीन दिन, तीनों के दिन इसने आपने प्रॉफिट बना के दिया। चेक करते जाना, तीन दिन हुआ है, तीनों के तीन दिन ये जो इंडिकेटर है सही साबित हुआ है। अगले दिन चलते हैं 8 तारीख के दिन, ठीक है, अब ये रही 9:15 की पहली कैंडल, ठीक है, ये जो है 9:15 की पहली कैंडल, इस पर कोई सिग्नल नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कैंडल पे सिग्नल बना, बट देखिए कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई,
तो ऐसी ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आपने ले भी लिया है तो आपको देखिए यहाँ पे 70-80 पॉइंट का इसने प्रॉफिट दिया है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है, तो इसमें लॉस तो नहीं बोल सकते क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल पे सिग्नल बने तो कौन ही ट्रेड करेगा, ठीक है। तो ऐसे दिन अवॉइड कर सकते हैं, पर प्रॉफिट अगर लेते भी तो प्रॉफिट अब आपको जरूर बताना, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते या फिर आप एसएल लेके जाते, ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। ये कौन सा दिन है? 9 तारीख के दिन, ठीक है। अब 9 तारीख के दिन ये सही तो है, इसने पहली कैंडल पे बाय सिग्नल तो दे दिया, मार्केट वहां से कितना गया है बहुत अच्छे 300-400 पॉइंट गया है, पर ये जो ट्रेड है ये हम नहीं करेंगे। भले इसने प्रॉफिट दिया है पर फर्स्ट कैंडल पे जो सिग्नल बने उस पर ट्रेड नहीं करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसने उस फर्स्ट कैंडल के बाद पहला सिग्नल कहाँ दिया? यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, मतलब हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया और हमको देखिए प्रॉफिट तो मिला है, ठीक है, 70-80 पॉइंट। और अगर हमने ये एसएल के साथ इसको होल्ड किया होता तो मार्केट तो बाद में बहुत अच्छे से गिरा है, ठीक है। ये देखिए अगर डे हाई का एसएल होता तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरा है, बट ठीक है, जो भी आपको मिले आपको बुक करिए, ठीक है। 4 दिन मैंने टेस्ट किया, चारों के चार दिन इसने आपको प्रॉफिट बना के दिया है। अगले दिन चलते हैं, कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। ये देखिए यहाँ पे 10 तारीख को इसने सिग्नल दिया है हमें, ये रहा ये बाय सिग्नल, यहाँ पे हमने बाय किया होता और ये देखिए कि कितना टारगेट मिलता है हमें, कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, करीबन 150 पॉइंट्स यहाँ भी इसने आपको दे दिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, देखिए 150 नहीं तो आपको प्रीमियम में 20-30 पॉइंट मिलेंगे ना, उतना बहुत है, लोग रोते रहते हैं 20-30 पॉइंट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। ये कौन सा है? 12 तारीख। 12 तारीख के दिन यहाँ पे सिग्नल बना है, थोड़ा सा रिटेस्ट पे हमने बाय किया तो यहाँ भी 150 पॉइंट्स का टारगेट इसने दिया है। आपके ऊपर है आप कितने पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी एक सही है। 5 दिन हुए, 5 दिन इसने टारगेट दिए है। चलो नेक्स्ट दिन 15 तारीख के दिन यहाँ पे इसने बाय दिया, ये देखिए 200 पॉइंट का टारगेट दिया है आपको, क्या ही इंडिकेटर है, ठीक है। मतलब इसका जो पहला सिग्नल है वही आपको ट्रेड करना है, यहाँ पे बाय दिया बहुत अच्छा टारगेट दिया। चलो आगे 6 दिन होगा, 6 दिन इसने प्रॉफिट दिया, इसने पहला सिग्नल दिया यहाँ और देखते हैं यहाँ भी 70-80 पॉइंट मिले, उसके बाद आप कॉस्ट कॉस्ट निकले या आपने लॉस लिया वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है कि इंडिकेटर जब सिग्नल देता है तब आपको प्रॉफिट होता है या नहीं, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलो आगे बढ़ते, ये देखिए पहला सिग्नल और देखिए मार्केट करीबन 150 प्लस पॉइंट यहाँ पे गिर गया, ठीक है। 7 दिन हुए, 7 दिन हमारे मतलब रिजल्ट अच्छा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका पहला सिग्नल कौन सा है, कौन सी तारीख है? ये वाली, ठीक है, ये 19 तारीख है, कोई छोड़ तो नहीं दिया ना हमने, नहीं कोई छोड़ा नहीं है। हाँ यहाँ पे पहला सिग्नल कौन सा है? फर्स्ट कैंडल वाला सिग्नल अवॉइड करना है। पहला सिग्नल ये है, यहाँ पे एंट्री बनाई, देखिए 200-250 पॉइंट यहाँ भी इसने आपको बना दिए, और क्या चाहिए, 100% एक्यूरेसी दे रहा है ना इंडिकेटर, ठीक है। बिना डरे आपको ट्रेड ले लेना है पहले सिग्नल पे। ये देखिए यहाँ पे इसने सिग्नल दिया और यहाँ से यहाँ का करीबन 150 पॉइंट्स भी यहाँ पे इसने दे दिए है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, 10 में से 10 दिन इसने प्रॉफिट दिया है आपको। चलो आगे बढ़ते, अब यहाँ पे एसएल होगा, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल दिया, ये आपका एसएल गया, तो 11 में से 1 एसएल हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम, बट हो गया ना, ठीक है। ये देखिए हम 22-23 तारीख तक आ गए, मतलब अभी लेटेस्ट आज का हमने बैकटेस्ट कर दिया, आज ही इसका एसएल हुआ था, उससे पहले इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के हम लोगों को यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो होपफुली देखिए मैं ऐसे इंडिकेटर आप लोगों के फाइंड करता रहता हूँ, मेरा इंडिकेटर है पर मैं ऐसे इंडिकेटर देता हूँ, अगर कोई मेरा इंडिकेटर अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, ये जो इंडिकेटर है ये आप यूज़ करके आप जो है बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। बट कोई भी इंडिकेटर आपको 100% रिजल्ट की गारंटी नहीं देता, तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करिए, ठीक है, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।